रुवर के श्री चरणों में वारंबार वारंबार नमोस्तु धुलियान दिगंबर जैन समाज और झाजी परिवार हम सबकी तरफ से नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरा प्रश्न ये है कि आज हमारे समाज की जनसंख्या निरंतर घट रही है। हमारे कुछ नियम हैं जिसे हम अन्य किसी को स्वीकार नहीं करते, परंतु हमारे समाज का अन्य कहीं जाता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। घटती जनसंख्या जैन समाज का एक चिंतनीय विषय है। हम कैसे अपनी संख्या बल को बढ़ाएं ताकि हमारे जैन संस्कृति और जैन आयतन की सुरक्षा हो और जिन शासन का प्रचार प्रसार होता रहे, निर्बोध रूप से कृपया आप मार्गदर्शन करें। देखो, जनसंख्या बढ़ाने के दो ही उपाय, या तो जैन बढ़ाओ या जैन बनाओ। तो जैन बढ़ाने की फैक्ट्री तुम लोगों के पास है और जैन बनाने का रास्ता हम लोगों के पास। तो जैन बढ़ाओ, संतति के बिना संस्कृति नहीं बढ़ती। यदि आप अपने संस्कृति के प्रवाह को अच्छुन्न बनाए रखना चाहते हो तो संतति बढ़ाओ। आज की नई पीढ़ी से मैं जरूर कहना चाहूँ, अब तो एक में ही संतुष्ट होने लगे हैं। अगर यही स्थिति रही तो 50-100 वर्ष बाद नाम शेष रहेगा। इसलिए चाहते हैं कि मेरा कुल अच्छुन्न बना रहे, मेरा वंश निर्बाध चलता रहे, तो उसके लिए अपनी संतति पर ध्यान देना बहुत जरूरी। फिर दूसरी बात, जो लोग जैन आचार और विचार से प्रभावित होकर जैन धर्म को आत्मसात करते हैं, उन्हें स्वीकार कराओ, आगे बढ़ाओ। अभी आपने कहा, आज एक बहन जी यहाँ चेन्नई से आई हुई हैं, थोड़ा आप खड़े हो जाएं। ये बहन जी चेन्नई से आई हैं और ये विशुद्ध जैन धर्म का पालन कर रही हैं, प्रति जीवन अंगीकार कर रही हैं। ये ब्राह्मण जन्मना ब्राह्मण होकर आज जैन धर्म का दृढ़ता से पालन कर रही और 12 वर्षों से एक भुक्ति कर रही है, एक ही बार भोजन और एक ही बार पानी। तो हमारे यहाँ वर्ण लाभ के लिए बताया है, शंकर के लिए नहीं। खिचड़ी मत बना, आचार विचार से बदलो। आज की नई जनरेशन क्या करती, खासकर युवा, शादी करके जैन बनाना चाहते हैं। जैन बनाकर शादी करो, शादी करके जैन बनाने वालों के इरादे साफ नहीं होंगे। पर कोई जैन बनता है उसके साथ शादी करोगे तो तुम्हारा जीवन ऊंचा उठेगा, समझ गए? तो ये बातें ध्यान रखो।